गाइस सुपर फास्ट फूड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आलू दम की रेसिपी बनाने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम छोटे छोटे आलू लिया है। इसको सबसे पहले मैं उबाल लेता हूं, कुकर में एक सीटी लगाऊंगा। आलू दम की ग्रेवी बनाने के लिए 3 टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है, थोड़ी धनिया की डंटी लिया है और 1 इंच अदरक लिया है। टमाटर की प्यूरी बन के तैयार हो गया। साथ में इसमें ऐड करूँगा 50 ग्राम दही लिया है, 25 ग्राम पीली सरसों का पेस्ट तैयार किया है, 4 इंच नारियल कच्चे नारियल को क्रश कर लिया है। इसके बाद मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च, 1/2 कप पानी इसमें डालकर इसका घोल बना लिया है। तो ये आलू छिल करके मैंने तैयार कर लिया और इसमें आलू के बीच बीच में मैं इसमें छेद कर दे रहा हूँ ताकि इसके अंदर मसाला जा करके घुले। अब आइए मैं ग्रेवी के बनाने की तैयारी कर ले रहा हूँ फ्राई करने की। अब मैं आलू को फ्राई करूँगा। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है और ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहले आलू को फ्राई करता हूँ। इस आलू को थोड़ा ब्राउन कर देते हैं। अब ये आलू फ्राई हो गया है, अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये 1/2 चम्मच जीरा लिया है, MDH की हींग डाला हुआ है और 3 मैंने मिर्च लिया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँ, अब सरसों का पेस्ट डाल दूँ, अब ये नारियल जो क्रश करके रखा था वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर रहा हूँ। अब बिल्कुल इस मसाले को मैं लाल होने तक भूनते रहूँगा। आपने तो कहावत सुनी ही होगी, आलू दम मसाला कम, भौजी नाचे छमा छम। ऐसी रेसिपी बन रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत खूबसूरत, देखने में भी सब्ज़ी बिल्कुल लाजवाब लग रहा है। दही भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अब ये मसाला भून के तैयार हो गया, इसमें मैं थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर दे रहा हूँ। अब ये मसाला भून के बिल्कुल तैयार हो गया। आज तो मसाला की खुशबू पड़ोसी के घर तक पहुंच गया है और आलू दम की खुशबू। आलू डाल देता हूँ, आलू डाल दिया है। एक मिनट में इस तरह से इसमें पकने दूंगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दे रहा हूँ 2 कप।
अब मैं इसको इस तरह से 5 मिनट तक पकने दूंगा। आलू दम की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दें। देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया, गर्मा गर्म सर्व करने के लिए निकाल रहा हूँ।